दोस्तों आपके सामने तीन मूर्ति कैसेट के माध्यम से प्रोग्राम पेश होने जा रहा है सूर्यमगढ़ की लड़ाई, जिसमें मेन गायक कलाकार हैं ठाकुर नेम सिंह कुशवाहा भरत सिंह, साथ दे रहे हैं मास्टर मलखान सिंह बनी सिंह और हास्य कलाकार श्री बाबा पद्मनाथ, संगीत दिया है मास्टर नौबत ने, हारमोनियम बजा रहे मास्टर महेंद्र सिंह, नक्काड़े वादक उस्ताद रशीद, ढोलक बजा रहे बालकृष्ण, और आपके सामने मीठी मीठी रिकॉर्डिंग करके पेश करने जा रहे हैं सुरेश भाई। तो सुनेंगे सूर्यमगढ़ की लड़ाई। आपने सुना होगा कि जब रानी दैवंती झूला झूलने के लिए जिद करके राजा नल से गई थी और राजा नल गंगा नहाने के लिए गए थे, तो राजा नल से पीछे दुमैती का हरण हो जाता है, और इधर में राजा जब गंगा स्नान करके देश नर्मद में आ जाते हैं तो किस तरीका से बांदी से और रानी की सहेलियों से रानी न पाने पर पूछने लगे। दोस्तों इस प्रोग्राम के निर्देशक हैं भाई खेम सिंह निवासी नया नगला, तो सुने यहां से प्रोग्राम। अरे दासी महाराज के लिए मैंने कहा नमस्कार। नमस्कार कहिए महाराज। ये बताइए आपको मालूम है कि हम गंगा स्नान करने के लिए गए थे। हाँ मुझे पता है। और हमारी प्यारी दुमहती झूला झूलने के लिए गई थी और ढोलकों और बेटा हमारा गोना कराने के लिए गया, लेकिन अभी तक कोई पता ही नहीं चला मामला क्या हुआ। महाराज इसी की सोच में तो मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। महारानी अभी लौट के नहीं आई और मैंने सुना है, तो मैं आपके लिए बताती हूँ। चली गई रे राजा, मेरे
उसे कोई ख्याल नहीं मेरा बेटा गोना कराने के लिए गया और रानी झूला झूलने के लिए मामला हुआ तो हुआ कस।
होनी परी रे विचार। अरे गंगा लहवे भी गए हो नरवरती, यदि भी गंगा नहाने के लिए नहीं जाता आज मेरी गर्मी। अरे राजना तुम कम रही रे समझिया, भगवान यार क्या हुआ। अरे धीरज बादिल दिल अपने मई, अरे राजना मत दिल मेरे घबरा। क्या सा सब्र को लाऊं बांधी। अरे घोड़ा सजाए लो तेसा नर बर मई, राजन मैं आपके लिए बता रही हूँ। अरे बादी अरे रुकवा कोई खबर नहीं मिली अति राज। महाराज कोई खबर नहीं मिली है अभी तक रानी की। अरे पहले संग छोड़ी गई मेरी मोतरे, अरे बैरी ने डारे री चुलम गुजार, मेरी धड़कत छाती मेरा कलेजा फाटे। अरे सारे जिंदो छोड़ूंगो हतुराए, खेल लोहड़ी ना मेरी खेलोए। अरे बाली परोरी पालोरी खबर रे मिले नरवल में, तो दूंगो घोड़ा पनोली सा। हे भगवान क्या हुआ, अब मैं क्या चली जाऊं क्या करूं। बेटा भी मेरे हाथ से चला गयो, पति को ये पतो नहीं कि गंगा स्नान करके लौटे या नहीं लौटे। बार बार पति ने मुझे समझा, मैंने कहना नहीं माना। बेटा सुआ माता जी अब कोई ठिकाना नहीं लगेगा, मैं तुझे एक अकल बतलाती हूँ। बतलाइए माँ। तो मुझे भी दुख है कि तू भी भूखो प्यासो मेरे पीछे इस पेड़ पर बैठो रहता है। बेटा ढोल कुंवर मेरे भक्सी में पड़ा है, मैं इस बैरी के कब्जे में पड़ी हुई हूँ। बेटा सुना तो रही समझ आए, अरे हाथ जोर तेरी करूं बिलती, तू नरवर को कैसे बेटा जाए। अरे ने कही अरे चलो जा रे सुना, अरे तू का अरे नरवर तू। तू का नरवर कुरे बेटा, तू का नरवर कु मेरे सुला रे बेटा, पटोरे कले जाले मेरो जा बेटा। माँ मैं झूला झूलने के लिए नहीं आती, तो आज मैं इस बैरी के फंदा में नहीं होती। अरे बात सही, अरे बता दे जननी अपने बेटा को, मैं तारी रे तावे सुनावे कजोरा रे दोनों हाथ। अरे विपत्ति अरे बेटा कठिनाई पाई बेटा, माँ बेटा वो अपना दुख नहीं है बेटा सुना।
अरे मेरे बेटा ढोल कमर को मुझे दुखेगा बेटा के तो चेला मैंने बड़बड़ी मुची बस सही साज मेरो बेटा बकसी नहीं पड़ो है। इस बात का दुख माँ मुझे भी काफी है। अरे हे बेटा मेरी कर विपत्ति अरे बेटा कठिनाई पाई मेरे बेटा सुना दूजी तोरे ढोला ने दंगार अरे बेटा सुना बेटा मेरा ढोला नहीं आता तब मेरे अंधे से नहीं रहते बेटा। अरे चिंता अरे करियारी मैया अपने दिया लावे अरे चिंता मा ती करिया मेरी जननी अपने दिया लावे मैं तारी रे सुना करे गो रे अपनी राय तू काने करे चलो जा बेटा अब का नरवर तू क्या नरवर के लिए मेरे बेटा सुना बाला मा कुयो यार समझाए कैया मेरी जननी सोई का करूंगो माँ बेटा आप कहोगी उस काम करने के लिए ये आपका तोता हर दम पति को लिवा करके लानो है बेटा सुना अरे जोई जोई कैया मेरी जननी सोई का करूंगो मैं तारी रे तारे दो कार जोड़ा रे हंसा हाथ अरे बेटा माँ और जो जाए कई और सुना मेरे बला माती मेरे बेटा सुना रनिया तो बड़ी अरे रही दुख पाए और भैया सुन ले जाना लगाए अरे बेटा पटोरे कने जा जाको दे गोरे चाना चलो जाने का नारा बारा गलत बेटा चलो जाने का नारा बारा गलत अरे मेरे लाल रे तारी मैया ऐसे काये अरे बेटा कैसे बादल हो दीरा बेटा अरे ढोला डरो मेरो आज भगसी
अरे मेरे नैने बरसी रहो बेटा। अरे सुला उठते बेटा मेरे भूखा बेटा बेटा तू पति होते तो मेरी ये दिशा नहीं होती। पति ने बार बार समझाओ बेटा सुना। मैंने पति को कहनो नहीं मानो। पति ने कही थी कि तुम रानी मेलन में झूला झूले पर मैंने नहीं मानी बेटा। आज के मैं झूला झूलने के लिए नहीं जाता बगीचा में तुम्हें असुर मगर को नहीं देखती। मैया अरे कर कर आज अरे ढोला भैया की मेरे कोता जिगर के छेते अरे बेटा दुर्वला है रे औकात महा बेटा सुआ मैं आपकी दिशा देख करके और अपने भाई ढोल कुंवर की दिशा देख करके मैं भी भोजन नहीं प्राप्त कर पाता माँ। बेटा दुर्वला हुए गो गात अरे बलमा रूठे मेरे नरवर मारे अरे मेरे बेटा पे छूट गो सुना माँ। जाओ बेटा नरवर के लिए और पति को जल्दी से जल्दी अपने साथ लिवा करके लाना है और कह देना है कि बेटा ढोल कुंवर भी और सूरमगढ़ में सूरम सिंह ने कैद कर रखो है और माताजी को कैद कर रखा है उसी के कब्जे में फंसी हुई है और बन ठन के सज धज के अच्छी तरह से और आए बेटा क्योंकि यहाँ पर जादू की लड़ाई है। मैं जानती हूँ तेज लड़ाई से तो पति जीत जाएंगे मगर जादू से नहीं जीत पाएंगे। बेटा तू जल्दी जा जैसे बने तैसे पति को जल्दी से जल्दी लिवा कर। बहुत अच्छे माँ। अरे अब तो ताले बाजरा देर ना लगाई अब तो ताले बाजरा देर ना लगाई अब चली वे की बादिन लागा लगाई तोता चाल रे चल तो वलवस्ता सीधी पकड़ेगा नरवर की रास्ता सूरमगढ़ की लड़ाई त्रिमूर्ति कैसेट से और सुने ढोला का प्रोग्राम उधर ढोल कुंवर कैद हो चुका राजा नल के पास तोता आ रहा है। राजा नल अपनी रानी के और बेहोग में सुनकर के बड़े अफसोस में अरे तोता गवे चाले बड़ाए अरे राते दिला को धामा भर के पहुंचो देश नरवर में बाजना बड़ा अफसोस की बात है। दासी ने कहा सूरमगढ़ का सुरम सिंह प्यारे तो मेहती का हरण करके ले गया है। टेव 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 अरे भैया तोता टेव 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 बड़ी अफसोस की बात है। टेव तोता तो मेरा और ढोल कुंवर के साथ गया था तोता कैसे लौट करके आया।
भैया तोता। महाराज बेटा एक बात बताए मुझे। अरे कुशल अरे बता दे रे तोता मेरे ढोला अरे बेटा की। के लिए गए थे कैसे ही वहां पहुंचे साढ़ू भाई। राजन वो चा सूर्य क्या रास्ता
भूल कर गया तुम सूरमगढ़ में पहुंच गए। और क्या, अरे रास्ता अरे भूल के बाद ना पहुंचे सूर्य मे महाराज आ रहे तो साथी का बता रहे कोता माता में चोरी होकर के गई है मेरी प्यारी दुमैती। बेटा क्या करती है, कौन सी परेशानी है उसके ऊपर जो दे रखी है उसे। अरे कहा जान कह दई रे सुवरा मेरी प्याही ने, मेरा बेटा तेरा दुंगो जोर पर निभाए ले राजन मैया बिरला की। क्या मेरा बेटा कैद में पड़ा हुआ है। और क्या महाराज, और रानी भी बंधन में पड़ी है। हाँ ठीक है, अरे कैदी अरे चुरा ले राजन मैया बिरला की, महाराज आ रे तुम हाथ का जुड़े की तोता की बात। अरे बेटा कह रहे हो बारंबार तेरी बोली लग गई मेरे सी बेटा, बस मैं यही देख रहा था कि मुझे कोई समाचार मिले। तूने कहा है कि ढोल कुमार कैद में, और तो बेटा कोना तो हुआ ही नहीं, रास्ता भूल करके तुम पहुंच गए। और क्या महाराज, और मेरी रानी भी बंधन में। ठीक है बेटा तू चल और मैं तैयारी करके आ रहा हूं। बहुत अच्छे महाराज, क्या करूं यार, मनसुख को बुलाऊं, दोनों भाई जाएंगे और बंध उड़ा के लाएंगे। मंत्री महाराज, मंत्री सियानगर के लिए जाना है। सियानगर के लिए? हाँ। अरे मंत्री अब कहूं चोट पे चोट सियालगर को तू चलो जा भैया लू अपने छोटे भैया की ओट। मेरे भाई से जाकर के कहना है कि जल्दी से तैयारी करे गुजर, लड़ाई का मामला है ढोल कुमार कैद में और रानी बंधन में पड़ी हुई है, दोनों भाई जाएंगे चढ़ करके और प्रिय दुमहती की और ढोल कुमार की कैद छुड़ा करके लाएंगे। अरे ने कही रे चलो जा मेरे बेटा सिया अरे नगर की।
जोई जोई अरे कहो महाराजा सोई का करेंगे नरवर के तो राजा मंत्री कार जाएगा अपनी भाई जाल गड़को मेरे मंत्री बेटा कुछ की रे चलेगी रे तालवार और बेटा सुनियो ध्यान राजन मोको दियो समझाए अरे नो जाए कही हो मेरे मेला मन सुखते अरे चारो भैया रहे हो जाओ और कह देना भाई साहब से तुम्हारी भैया ने बुलाया है और तुम्हारी भौजाई और भतीजे की सूरमगढ़ में बंद हो चुकी है बहुत अच्छे महाराज हाँ। अरे चलती अरे अरे दरिगा रे बादरा अरे सिया का नगर की मेरे साज बजरिया जा तू का मधुरिया रे मंत्री चाल गायरो मंत्री हारे गो न गायरो सरदार रे मंत्री चल तू का मरोरा रे सीधी चाल धावा भर के मंत्री पहुंचा सियारे नगर में अरे महाराज के लिए नमस्कार चिरंजीव रहो अरे राजमंत्री महाराज कैसे आना हुआ और तो कुशल है सब कुशलात है मगर आपको मैं बुलाने के लिए आया हूँ मुझे हाँ क्या कोई ऐसा नया समाचार है नया समाचार ही ऐसा हो गया है आपको आपके भाई ने बुलाया है भाई ने और क्या पता है तुम्हें हाँ कुछ मुझे मालूम है क्यों बुलाया बताओ राजमंत्री बस बतलाऊंगा हमारे चेहरे पर कुछ उदासी सी महसूस होती है अरे लुट गई अरे अरे बड़ैया राजन
अबे गड़का अबे नारा बरकी क्या गजब हुआ राज मंत्री कोई ना
भाई साहब। अरे अरे बंदी बनेगा ढोला मेरे भैया। क्या बेटा ढोल कुमार? और क्या? अरे बंदी बनेगा ढोला मेरा बिरला राजला साथी दाईये रे बताए महाराज राजला साथी दाई काए समझ आए। अरे कर दे तैयारी नरवर गढ़ की मेरी सुनो लगा के चेता। भाई साहब मंत्री महाराज इतनी आफत में हमारी माँ और हम यहाँ पर बढ़कर के माना है। सच कहते हैं महाराज मैं कभी उसको जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। अरे तेगा का बजे गोले बेटा सूर्य में देखी गड़ में सोरे मस्ती के बाकू जियत देखी छोड़े के हम तोड़ा हम उसे छोड़ नहीं सकते। देर लगाइए और फौज फाटा सजा करके सीध नरवर की लगाइए। ठीक है राजमंत्री मैं आपके लिए अभी खाने पीने का प्रबंध करा रहा हूँ और घर जाकर के अपनी रानी कश्मीरा से आज्ञा लेकर के मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। बहुत अच्छे। अरे इडियन सीडियन चढ़ गए और राजा भामारे केली न पे दे दे के पाओ राजा भमर कली न पे। भमर कली पीछे रही रे पहुंचो चंपक कली न पे दे
देखी पाँव पहुँचो चंपकली ने पे अरे मन सुकून मन में सोचे विचार अरे सोए रही कसमीरा आज महलन में और जितो कैसे खोले रे ब्याहता सो बच्चे तो जाग जा जगती है दे बोल ए पिए कश्मीरा मेरी नक जल्द किवरिया आवत देखी पिउनारिनी और मुड़ा दीनो डार मोर छड़ी को बीजना पति की ढोरन लागी पति महाराज की चरणों में काशी का गंडवासी का रहो चिरंजीव रहो स्वामी ये बताओ आज बगैर बुलाए मेरे महलों में आप कैसे आए और एक कारण और है स्वामी आज मैं देख रही हूं अरे कैसी अरे उदासी मेरे बलमा प्यारे अरे चहिरा रानी कश्मीरा यार तुम्हें बताऊं स्वामी आज कैसी उदासी है तुम्हारे चेहरा पर मैं जरूर बताऊंगा तुम्हारे लिए अरे मुसीबत मेरी प्यारी मेरे बिना पे क्या नरवर में कोई मुसीबत आ चुकी है हाँ मैं बताता हूँ आपको बताइए क्या मुसीबत आ गई अरे गजब को का गोलारी प्यारी तू तो नरवर पे मेरी ब्याहता सजना दे सही नरवर तू तुम्हारो जाए मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूं अरे कैसो जानी गोलारे बलमा गिरी जो नरवर पई स्वामी आप मेरे लिए बात है वो सही से बता दीजिए ठीक है मैं बताऊंगा आपके लिए अरे कैसो जानी गोला रे बलमा गिरी गो नर बर पई मेरे बलमा नगीना प्याई को रे तैयो साथ बताए अरे चोरी जान है गई कसमीरा मेरी भौजी की क्या मेरी जिठानी की हाँ आपकी जिठानी की चोरी हो गई है चोरी हो गई है स्वामी फिर तुम्हारे लिए मैं बताऊंगी क्या करना है तुम्हें अरे चोरी जान है गई कसमीरा मेरी भाभी की मेरी ब्याहता मेरी पूछ के का चलेगी ले तलवार भौजी की चोरी हो चुकी है और मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूं कि मुझे देश नगर के लिए जाना है अरे फौज का सजा ले रे बलमा सिया रे नगर में स्वामी मैं आपसे
क्या बहुत यानी विपता की बात है, मेरी जिठानी कैद में पड़ी हुई है, आप फौजे सजाइए और आपकी मैं आज्ञा देती हूँ जाने की। अरे फौज का सजा ले रे बलमा, सिया रे नगर में मेरे बलमा, तुम का चल बेटी करो तैयारी। तो यारी को हाँ स्वामी, किसी ने कहा है कि यार तो जमाने में होते लेकिन यार वही है जो वक्त पर काम आए। यही बात तुम्हें कहना चाहती हूँ कि अपनी यारी का परम निभाइए। अरे जहाँ का बिरन को मेरी रानी गिरे गो पसीना, मेरी रानी के मन सुख दे गो काट चढ़ाए। अगर भाई को कोई मुसीबत होगी मैं सीख चला सकता हूँ। अरे कैदी रे छुड़ाइयो रे बलमा मेरी जिठनी की। स्वामी आप जल्दी जाकर के कैसे भी कैद को छुड़ा के ले आओ। स्वामी आप अपनी यारी का परम निभाइए और जल्दी से फौज सजा करके जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी यहाँ से जाइए। ठीक।